जी सर, मोदी सर प्रणाम आपको, और आयुष मनोज केड़ो अरिंदम जी, हाल सब ठीक है सर, आपकी आशीर्वाद। और आज मैं भी धन्य हुआ आपसे बात करके, और अजय जी को नमस्कार, और साथ में नमस्कार। आने के लिए हमारा सौभाग्य है कि मैं आपसे लाइव बात कर पा रहा हूँ। सर, एक व्यक्तिगत सवाल है जो कि काफी दिनों से गूंजता रहा मन में। एक चीज ये है सर कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं निरंतर, मतलब 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, निरंतर 11 सालों से काम करते हुए आप? आई थिंक देयर इज अ कनेक्शन प्रॉब्लम। मेरा मेरा जवाब तो पहुंच जाएगा। मैं समझ पाया हूं कि वो सर कह रहे थे कि आप दिन में कितने घंटे सोते हैं। भैया मैं दिन में सोता नहीं हूं तो लेकिन मैं जानता हूं कि आपका सवाल है 24 घंटे के हिसाब से, तो मैंने मजाक में कह दिया वो ठीक है, लेकिन मेरी नींद बहुत कम है। मैं मेरे डॉक्टर मित्र जितने हैं वो इस बात को लेकर के मुझे लगातार सलाह देते रहते हैं कि मुझे अपनी नींद बढ़ानी चाहिए, मुझे मिनिमम 5 घंटे 6 घंटे सोना चाहिए। मेरे हेल्थ के लिए भी मुझे बताया जा रहा है, लेकिन मैं ऐसा वर्कहोलिक बन गया हूं और कई सालों से मेरी आदत हो गई है। मैं मुश्किल से 3.5 4 घंटे सोता हूं, लेकिन वो सर, मेरी बहुत साउंड स्लीप होती है। मैं बिस्तर पे जाता हूं 30 सेकंड में मुझे नींद आ जाती है, 30 सेकंड में। और सुबह जब मेरा उठने का समय होता है ठीक उसी समय उठता हूं, तो एक प्रकार से साउंड स्लीप है लेकिन मेरी बहुत कम स्लीप है। मुझे दिन भर कभी सोना नहीं पड़ता है, मैं दिन भर काम करता रहता हूं। और उसका एक कारण है मैं योग और प्राणायाम इससे जुड़ा हुआ हूं। कभी कारणवश साल में 1-2 बार मैं बहुत थकान अगर महसूस करता हूं तो मैं डीप ब्रीथिंग करने की आदत रखता हूं। 5 मिनट 10 मिनट डीप ब्रीथिंग कर लिया तो मैं फिर फ्रेश होकर के फिर अपने काम में लग जाता हूं। आप मुझे सुबह मिलेंगे तो भी मैं इतना तेज तर्रार रहता हूं, रात को मिले तो भी वैसा ही रहता हूं। आज मैं 4 जगह पे दौरा करके आया हूं और आपके बीच में बैठा हूं, उतनी मस्ती से रात को आपसे बात कर रहा हूं। शायद मेरे लंबे लंबे जवाब भी आपको परेशान करते होंगे, लेकिन मैं कोशिश करूंगा कि आज कम शब्दों में आपको जवाब देने का प्रयास करूं। भाई मजा आया, और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूं।